हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे गुपचुप ब्लॉग में। आशा है आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गाइस। मुझे जाना है मार्केट, मैं हो गया रेडी और साथ में जा रहा है मेरे रोशन। रोशन को लेनी है पैंट और मुझे कटवाने हैं बाल। तो गाइस हम जा रहे हैं मार्केट। ये है रोशन, ये देखो रोशन। तो गाइस हम निकल के मार्केट के लिए। तो मार्केट से पहले तो मुझे निकालने एटीएम से पैसे, तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। पैसे तो है नहीं जेब पे। ये देखो गाइस यहाँ का मौसम, कल हमने जो लकड़ियाँ फाड़ी थी नीचे। गाइस मैं आपको यहाँ की खेती दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे कैसे करते खेती। ये देखिए गाइस, ये तो खेत खाली, यहाँ पे तो कुछ ही नहीं है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये गाइस यहाँ के मटर की खेती, इसमें भी मटर लगे हुए हैं और यहाँ पे लगे हुए गाइस लहसुन, और आगे में ये प्याज है गाइस, ये लहसुन है और ये फूलों के गमले। ये गाइस यहाँ का पार्किंग का एरिया। गाइस मैं आपको आज डॉगी दिखाता हूँ, बड़ा प्यारा है जो। देखिए गाइस बेंजी, बेंजी क्या कर रहा है? ए देख बेंजी, बेंजी ये देखिए गाइस यहाँ का बहन जी, और जो दूसरा पालतू जैनी। देखिए गाइस और ये डिक्सू, हाय कर दे, हाय हाय करते डिक्सू, हाय कर दे। अब उधर कर, देख के कर, उधर हाय कर, हाय कर किसी। आ गया गाइस हम रोड पे, ये देखिए पीछे कॉटेज और यहाँ का व्यू देखिए गाइस कितना अच्छा है। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे मार्केट पैदल जाना पड़ता है, मेरे दूसरे ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था। तो ये पीछे मार्केट, यहाँ से तो दिखने का भी पेड़ है, तो ये करीबन 2 किलोमीटर के पास होगा, तो यहाँ पे पैदल ही जाना होता है। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको आगे। निकाल रहे अभी दस भैया, हमारे पैसे निकाल रहे एटीएम में। टाइम हो गया गैस, नहीं हो रहा, बहुत ट्राई कर लिया हमने गैस। आज एक मेरा एटीएम कार्ड काम ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एटीएम तो और में, लेकिन हम शायद दूसरे एटीएम में ट्राई करता अगर बाई चांस हो गया तो फिर वहाँ से पैसे निकाल देंगे, नहीं तो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेंगे गैस। चलो दिखाता हूँ मैं आगे आपको नेक्स्ट एटीएम में। गाइस आ गए हम शॉप पे, भाई जी यहाँ पे तो कहाँ है पता नहीं। भाई जी कपड़ा लेने, कपड़े गाइस कपड़े। पैंट नमस्ते जी, क्या बढ़िया है पैंट, पैंट दिखा दो रोशन को। 28 28 की
खुले ना कि उतना खुला भी नहीं, उतना टाइट है, रेगुलर फिटिंग में। उसमें एक आधा पीस बिकता है सारे दिन में, बस बाकी सब ऐसे ही मांगते हैं। लो अंकल जी मेरे को भी दिखा दो, मुझे भी लेना है। देखो ना आप, देख लो मेरा तो हो गया, मेरे को ले लेना। ये पत्ती सारा चाहिए मेरे को, चलो ये आएगा फ्रीज में। बढ़िया में चाहिए ना, और ठीक चाहिए, बढ़िया फ्रीज में। कलर तो मेरे को पसंद नहीं आया वाला। बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी हम पतले पहले से ही। बड़ा नहीं है ना, बड़ा कहाँ होगा, ऐसे हो रहा है। नहीं खुला हो जाएगा ना, एम साइज तो छोटा है, एम साइज तो आएगा। ये वाला गर्म होता है। क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करने स्कैन करता कैश, तो मैंने ले ली लोअर, ये देखो। और रोशन को तो पैंट पसंद नहीं आई, इसलिए हम दूसरे शॉप पे जा रहे। चलो अंकल जी नमस्ते, पैंट दिखा देना। तो फ्रेंड यहाँ पे पैंट मिली नहीं, यहाँ नंबर बड़े हैं सारे, छोटे साइज नहीं मिल रहे। अब कहाँ चले? नहीं यार, नीचे नहीं कोई शोरूम, नीचे होगा, एक बार नीचे देख के आते हैं। अब अपना एटीएम चेक कर लेते हैं एक बार, यूके बैंक में आ जाए एक बार, पहले यूके बैंक में ट्राई कर लेते हैं। खराब हो गया, कन्फर्म पता जाएगा खराब है कि नहीं है। मैं दिखाता हूँ गाइस आपको बैक कैमरे से, अपने एटीएम फिर से ये आ गया हम यूके बैंक में। गाइस शायद यहाँ पे तो काम चल रहा है, एटीएम सही है, वहाँ पे एटीएम मशीन खराब है। और ये निकल के गए स्लीप। नमस्ते आंटी, कौन हम? बस कहाँ घूम रहे आंटी, यहीं बस खाली होते ऐसे घूमते रहते। रफिंग में आपके लिए कैसा चाहिए आपको रूम? टू रूम सेट चाहिए कि सिंगल? टू रूम सेट नहीं को। गाइस अब आ गए हम, एक और पैंट लेनी है रोशन को, तो एक शॉप पे और आ गए। तो अंकल जी पर रहते तो बुलाए हमने, तो आ रहे हैं गाइस वो अभी। देखिए ये शॉप 30 में नहीं आएगा, मेरा 28 का तो यार इसमें साइज ही नहीं बोलते भी यार, ये चीज ले लो, हम जिसमें कलर फेड होगा हम पहले बोल देंगे भाई, हम पहले अपने पसंद से देख ले कौन सा अच्छा, इसमें कलर फेड होगा क्योंकि हमारे कभी शिकायत नहीं आई आज तक। अच्छा, इस माल में कभी भी कभी माल में हमारी शिकायत नहीं आती, होते तो यही है ना, बेटा होता है यहाँ पे। अभी वो गाड़ी की सर्विस कराने गया ना सोन, अच्छा सर्विस करा ले मैंने उसकी थोड़ी, सही है ना? अच्छी है, सही लग रही है, बेल्ट लगानी पड़ेगी, बेल्ट लगानी पड़ेगी, ये लगाया हूं। हां चलो अंकल जी, पता आ गया अंकल जी, वाले ले रहे हैं ये वाले, हां ये वाले ले रहे, ठीक है ना, ठीक है ना, हां सही है। मैंने वही बोला भी 30 में आ जाती है। अच्छा अच्छा, एक तो मैं नेपाल का हूं ना अंकल, इसलिए भी यहां के कपड़े मेरे को पसंद नहीं आते यहां पे। अच्छा मतलब वहाँ पे पूरा वही चलता है ना कट पीस, हाँ। तो वही पसंद होते हैं तो वही ज्यादा ढूंढते हैं। यहाँ पे भी हिमाचल में सिंपल कपड़े पहनते हैं, ज्यादातर ऐसे चलते हैं। कौन सी बोल रही है? पत्नी वाले पैंट तो बड़ा है भाई जी, सही जगह। नहीं नहीं ये पैंट पसंद किया है, ठीक है बेटा, ठीक है भाई जी, कोई ना। और कमीज दिखा दो, ये कपड़ा ही खत्म है मेरे पास, कुछ अच्छे भी रहते हैं। शर्ट कैसे में लेंगे? हाफ फुल हाफ भी दिखा दो,
एक तो आएगा ना भाई जी इस टाइप का, देखो ट्राई फिट में ये बिल्कुल हल्का होता है, कभी कलर फेड नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, साथ में बाजू में गुल्ले गुल्ले आते हैं, ठीक है। देखो इस टाइप का आर्टिकल आएगा, ओके गाइस फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई, रोशन ने भी ले लिए और मैंने तो लिया लोअर, आपको पता कपड़ा मिल गया। तो शॉपिंग हो गई आज की कंप्लीट, अब चलते सैलून के पास मुझे बनाने बाल। इतना छोटा सा कटमर हो रहा है, ये तो कट भी जाएगा, दाल कर जाएगा था। छोटे छोटे हीरो बन गया ना। तो गाइस बाल कटिंग हो गई, देखिए मेरा नया लुक कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड अब जा रहे हैं हम कमरे पे, हो गया तो आज की शॉपिंग हो गई और बाल भी कट गए। तो गाइस अब हो गया शाम का समय, तो गर्मा गर्म चाय पीते हैं, हमारी चाय बन गई, ये देखिए। ओके गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।